डैडी, व्हाट्स अप? व्हाट? आर यू सीरियस? ओह गॉड डैड, क्या न्यूज़ दिया आपने। जी, ओके, ठीक है, ऑल राइट, आई लव यू, थैंक यू, बाय। गेस व्हाट? इंडिया आने से पहले मैंने कनाडा के सबसे बड़े लॉ फर्म में जॉब इंटरव्यू दिया था। कॉलेज से ना मेरा वहाँ काम करने का सपना था। And guess who got the job? I don't believe this is happening. ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ज्वाइनिंग डेट भी आ गई है, मतलब मुझे कल वापस कनाडा जाना पड़ेगा। अरे यार, इतनी सैड शक्ल बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अब तो आती जाती रहूंगी यार। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मतलब मुझे पापा से पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे। बेस्ट। अच्छा सुनो, आज ना मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है, मतलब हरमन, मुझे जाने से पहले पंजाब घूमना है। प्लीज 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 मुझे आज घुमा दो। हाँ चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। अभी? प्रीतो, आज हम देर से घर आएंगे। जसली, जाके तैयार हो जाओ। ओके, 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। मम्मी जी, ये तो जा रहे हैं, तुम फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे हुँ? तुम अभी तक यहीं बैठी हो, क्या हुआ, तैयार नहीं हो ना? सौम्या, आज ना मेरा यहाँ लास्ट दिन है। डोंट टेल मी आज भी तुम मेरे साथ घूमने नहीं चलोगी। जसली, रहने दो, वो कहाँ आएगी। तुम चुप रहो। मायके जाती है तब तो नींद नहीं आती, और घुमाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। सौम्या हमारे साथ चलिए, मैं 5 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ। यू बेटर बी रेडी, ओके? जा तैयार हो, चलते, एक रास्ता निकल गया। अब तो हरमन को रात तक तेरे साथ रहना ही होगा। सुमित, मैंने ये निकाला है, तुम प्लीज इसे एस्टिमेट करके बताओ। तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। अरे बात बता, तू लातों का भूत है या बातों का? साला हर तरीका आजमा के देख लिया, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। कुत्ते की दुम है क्या, टेढ़ी की टेढ़ी। मेरे घर में मेरी बीवी के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। इरादा क्या है, मुझे चिढ़ाना चाहता है। अरे वरुण यार, मैंने गलती क्या किया है जो सुधर जाऊं? और दूसरी बात, मैं तुम्हारी बीवी से बातें करने नहीं, अपनी कलीग के साथ प्रोजेक्ट बनाने आता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है ना, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम्हें चढ़ाकर मुझे क्या मिलेगा यार। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट करोगे ना, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फायदा, नुकसान, गलत या सही, ये मुझे बताने वाला तू कौन होता है बे? अरे यार, गलत सही बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, एक बार अपनी बीवी का साथ देकर तो देखो, उसकी खुशियों में खुश होकर तो देखो। अलग ही फीलिंग है वो, अलग ही दुनिया है वो। अरे लो, हमारे साथ बैठ के चाय पियो। थैंक यू। अरे लाओ, चाय लाओ, बैठो। कुछ कह रहा था वरुण? नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुझे रहनुमा मैं बना लूँ, इतनी हो मुझ पे इनायत, तुझे रहनुमा मैं बना लूँ, इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे। आज कितनी सुंदर जगह है। इजाजत है, तू ही मेरा खुदा। क्या है ये रोमांस के नाम पे तुम दोनों की बत्ती क्यों गुल हो जाती है? अच्छा हरमन, तुम बताओ, तुम सौम्या से कितना प्यार करते हो? कैसे बता सकता हूँ? प्यार कोई किलो या लीटर में तो नापा नहीं जा सकता, कैसे बता दूँ? हाँ ठीक है, जितना हर पति अपनी पत्नी से करता है उतना। जी आप अगर मैं इस तालाब में कूद जाऊं तो आप मुझे बचाएंगे? कूद जाओ, मैं क्यों बचाऊंगा तुम्हें? अरे ऑफ कोर्स बचाएगा, कैसे नहीं बचाएगा, पति है तुम्हारा। अरे कोई पागल ही होगा जो इस तालाब में कूदेगा। क्यों कूदेगी ये तालाब में? हरमान कम ऑन। हाय पुटी के बाल, हाय मैंने ना बहुत सालों से नहीं खाए। चलो ना खाते हैं प्लीज। हाँ, हाँ यार सौम्या चलो ना, तुम्हें पसंद है ना? लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। उस दिन पानी में मैं इसलिए कूदी थी क्योंकि आपकी दुनिया से दूर जाना चाहती थी, लेकिन आज मैं पानी में कूदूंगी आपकी दुनिया में वापस आने के लिए, आपके करीब वापस आने के लिए। दो बुटी के बाल देना। सिर्फ दो? हाँ। Oh, I see. So romantic. तुम अपनी वाली सौम्या के साथ शेयर करके खाने वाले हो ना? It's very sweet. दो। आवाज तो ऐसी थी जैसे कि कोई तालाब में कूदा। सौम्या कहाँ है? अगर मैं इस तालाब में कूद जाऊं तो आप मुझे बचाएंगे? और ये सौम्या तो नहीं। कोई पानी में गिर गया कोई। अरे भाई चलो। सौम्या! Oh God! सौम्या! अरे अरे कोई बचाओ भाई। अरे हरमन बचाओ उसे। तुम्हें स्विमिंग आती है ना? अरे सोच क्या रहे हो? कूदो, डूब रही है वो। हरमन जंप। अरे भाई जल्दी जाओ ना यार तुम। रेस्पिरेशन, सीपीआर दो से। अरे पागल, मुंह से ऑक्सीजन देना पड़ेगा, जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, वो सब मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम क्या पागल हो गए हो? मर रही है वो, पति हो तुम इसके। क्या शर्म आ रही है? प्लीज जल्दी करो। अरे जसलीन, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। और तब तक कुछ हो गया तो? हरमन प्लीज जल्दी करो, उसको कुछ हो जाएगा। अरे नहीं, यहाँ सबके सामने कैसे? अरे भाई, तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है और तुम्हें शर्म आ रही है? अरे हाँ, इसमें शर्माने वाले कौन से बात है बाजी? चलो। तेरी बीवी है नहीं ना, मेरी बीवी है ना, वो अपने काम से काम रख। जसलीन, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हरमन! अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, रुको। मैं ठीक हूँ जी। देखा, ठीक है, ये नाटक कर रही थी, मुझे पता था ये नाटक कर रही है। हरमन, तुम पागल हो गए हो क्या? वो ठीक हो गई तो बोल रहे हो नाटक कर रही थी। तुम प्लीज, तुम जस्ट हटो यहाँ से। अगर सौम्या ये शर्त जीत जाएगी तो हरमन की नफरत की हार की शुरुआत होगी। सामने उठो, आओ, आराम से आराम से। नहीं हो गए? अरे अरे, तालाब में पत्थर सत्तर से टकरा गया होगा पैर। हरमन, इसे गोद में उठा के गाड़ी तक तो ले चलो। मैं ना ही इसे उठाऊंगा और ना ही गाड़ी तक लेकर जाऊंगा। तो क्या मैं लेके जाऊंगी? हरमन, डोंट बी स्टूपिड प्लीज। अरे कैसे पति हो यार, पति हो के शर्मा रहे हो? ये बीवी है तुम्हारी, तुम नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा फिर? हरमन प्लीज डोंट बी स्टूपिड। चलो चलो चलो, हाँ, शाबाश। उठा उठा, आराम से। आराम से कहीं। वीर जी, बात बहुत जरूरी है। लड़की भी अच्छी है, वक़्त भी अच्छा है, तो दस्तूर भी अच्छा है। हरमन के लिए उससे बात चलाओ वीर जी, उसको जाने ना दो, अभी रोक लो। वीर ने इस शादी ब्याह की गला ये बच्चों से नहीं की जाती। बाप ना मैं गाल करेगा। भाई साहब, मैं की कह रही है, वीरन ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सही मौका है भाई साहब। जसलीन आई है तो बस इस मौके का फायदा उठा लेते। और आजकल वैसे भी जिस तरह से सौम्या का बर्ताव। चलो चाची, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है वो सौम्या। मेरा मतलब उस किन्नर ने ना कुछ शर्त वर्त लगाई है। माँ कह रही थी कि अगर वो शर्त जीत गई ना तो आज हरमन के नफरत की हार जरूर होगी। अच्छा, दीवारों से कान सटा सटा कर सुनने की तेरी आदत नहीं होती ना, तो आज तू अपने मायके में ना पड़ी होती। तेरा भी भरा पूरा खुशहाल परिवार होता और ऐसे यूं बार बार मैं तेरी इज्जत नहीं उतारती होती। जिसे तुम सब किन्नर कहते हो ना, उससे सीख ले कि अपने ससुराल और पति का ध्यान कैसे रखा जाता है। कम से कम जिंदगी भर हमारे मत्थे तो नहीं पड़ी रहेगी। We are so thankful to you guys कि तुम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट हमारे साथ करने का फैसला किया। सर, जब सीखा आपके साथ है तो टाई अप किसी और कंपनी के साथ कैसे कर लेते? एथिक्स भी तो कोई चीज होती है ना। तुम्हारी यही क्वालिटीज तुम्हें एक दिन बहुत आगे तक लेके जाएगी। हमारी कंपनी की तरफ से तुम दोनों के लिए नई गाड़ी की चाबियां। थैंक यू सर। मेरे पास तो ऑलरेडी गाड़ी है, अब गाड़ी की बजाय मुझे पैसे दे दीजिए ना। मैं वर्ल्ड टूर के लिए सेव भी कर रहा हूँ तो थोड़े बहुत पैसे जुड़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। मिडिल क्लास लड़की होकर यहाँ तक पहुँचना और अपने ही आइडिया पर लाखों का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, तुम सोच भी नहीं सकते हो सुमित कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ। किसी के सोचने की फिक्र मत किया करो, जो मोमेंट है ना उसी को एंजॉय किया करो। दैट्स बेस्ट। मेरे नाल प्लानिंग आखिर नफरत पर प्यार भारी पड़ ही गया। सौम्या ये शर्त जीत गई। मुझे ऊपर कमरे तक छोड़ दीजिए ना प्लीज, पैर में बहुत दर्द है। चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। नहीं जी प्लीज, बहुत दर्द हो रही है, छोड़ दीजिए ना। मैं ऊपर कैसे जाऊंगी प्लीज। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.